Subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world. ये बिग बॉस सीजन 12 में कई ट्विस्ट एंड टर्न्स ऐड करने वाला है शो मेकर्स। जब शो में लगने वाला है मॉल का तड़का, जहाँ वीक कंटेस्टेंट यानी कि नॉमिनेट कंटेस्टेंट पहुंच जाएंगे मॉल में अपनी पावर को और भी ज़्यादा स्ट्रांग करने के लिए। लेकिन वहीं आपको बता दें कि किस तरह सभी कंटेस्टेंट हो गए हैं इस खेल के लिए फिर से एक दूसरे के खिलाफ। जहाँ आपको ये भी बताने वाले हैं आप कि प्रियांक ने दीपिका के खिलाफ बहुत सी बड़ी बातें कह दी, जहाँ वो सोहेब के जैकेट को लेकर भी कौन सी बातें कह देती हैं, तो वहीं उन्होंने ये भी कह दिया कि मैं इमोशनली अटैच थी, इस वजह से मैंने केवी के लिए वो कुर्बानी नहीं दी और केवी को नॉमिनेट कर दिया। जहाँ प्रियांक का कहना था कि भले ही वो जैकेट उनकी स्ट्रेंथ थी और भले ही वो ये कुर्बानी नहीं देना चाहती थी, लेकिन अंदाज़ा तो यही लगाया जा रहा है कि दीपिका कि ये इमोशनल ब्लैकमेल वाली स्ट्रैटेजी थी जो कि कामयाब हो गई। इतना नहीं, उन्होंने उनकी तारीफ भी की, जहां उन्होंने ये बोला कि दीपिका जी ना अपनी बेइज्जती होने देती है और ना किसी और की बेइज्जती, जिसके चलते वो श्री के भी खिलाफ हो गई है। और इन दोनों काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा है, जब श्री ने केवी के खिलाफ बोला था कि तुम कलर्स का चेहरा हो इस वजह से तुम्हें प्रेफरेंस मिलती है, जिसके चलते दीपिका नाराज़ हो जाती हैं क्योंकि दीपिका को फेम भी कलर्स के मोस्ट पॉपुलर शो सिमर ससुराल से ही मिली है, जिसके वजह से बहुत लड़ाइयाँ भी हो रही है। तो आगे की अपडेट जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और साथ ही सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल 24x7 ऑनलाइन न्यूज़ न्यूज़ रूम की रिपोर्ट। Subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world.